ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्किल इंडिया के अंतर्गत पूरे देश में लाखों वॉलंटियर्स का तैयार करना है। वे विपरीत परिस्थितियों में देश और देशवासियों की सुरक्षा के काम आएंगे। इसी क्रम में लोयला स्कूल के निकट श्री पवन पुत्र कोविड स्किल केंद्र में आज 120 युवाओं के बीच कोरोना से बचाव के लिए सुरक्षा किट का वितरण किया गया। किट में मास्क, कोविड प्रोटेक्शन व ड्रेस व अन्य सामान भी मौजूद थे। समाजसेवी प्रशिक्षक मुरारी वर्मा ने बताया कि केंद्र में कोविड फ्रंटलाइन वर्कर्स को 35 दिन का सैद्धांतिक प्रशिक्षण दिया गया, जबकि शेष प्रायोगिक प्रशिक्षण के लिए अलग अलग अस्पतालों में भेजा जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता जेडीएम कॉलेज के प्रोफेसर अशोक कुमार ने किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बदलाव का बहार बही है। कोरोना के बढ़ते खतरों के बीच देशवासियों की सुरक्षा के ये कदम सराहनीय है। उन्होंने बताया कि स्किल इंडिया यानी कुशल भारत कोई छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं है, बल्कि खाली हाथ का हुनर देने व कौशल विकास का बड़ा मंच है। देश के आत्मनिर्भर बनाना ही हर हाथ को कुशल बनाना होगा, यह काम मोदी सरकार कर रही है। कार्यक्रम में भाजपा महिला अध्यक्ष शोभा देवी ने महिला प्रशिक्षुओं को उत्साह बढ़ाया और ने कहा कि देश सेवा में से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। जो कार्य किया है उसके बाद में मैं धन्यवाद दूंगी कि हमारे मुरारी जी चल करके ये प्रोग्राम को लाए हनौर प्रखंड में और सभी इतने विद्यार्थी सबको सशक्त बनाए हैं और सभी को पढ़ाए लिखाए। आज देख करके बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे गांव के इतने स्टूडेंट लोग अच्छा से क्लास किए और आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बड़े भाई अशोक भैया, इस हनौत प्रखंड के बीजेपी अध्यक्ष और हमारी आंटी शोभा देवी और मुकेश जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आए हैं और अपनी बातें को यहाँ रखेंगे। अशोक भैया